हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से फोर में एक शानदार मैच खेलने जा रहे हैं, इंडिया टेस्ट वर्सेस पाकिस्तान टी20। पहले एक मैच खेला जिसमें हम बड़े बुरे तरीके से हारे थे, सेकंड मैच है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं वीडियो की तरफ। दोनों टीमों के दरमियान टॉस हो चुका है और भाई ये रही दोनों टीमों के कप्तान, और इंडिया ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। ये रही इंडिया की टीम जिसमें सारे टेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, और ये हमारी टी20 की टीम। अब देखते हैं कि भाई हम अच्छा टारगेट सेट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि इंडिया के साथ खेल रहे हैं तो बड़ा टारगेट सेट करना होगा। ओपनर उस्मान खान और साइम अयूब, दोनों से हम ओपनिंग बल्लेबाजी करवाएंगे। तो बुमराह आए हैं बॉलिंग के लिए, और ये बुमराह की पहली बॉल पर भाई बोल्ड कर दिया। शॉट खेलने में हम थोड़ा लेट हुए और बुमराह ने विकेट उड़ा दी। भाई बॉल डंडा दिया है साइम अयूब को, वन डाउन। पापरास फॉर्म थोड़ी सी डाउन चल रही है, लेकिन भाई आते ही जो कमाल शॉट में दिखाया है ना, 6 रन के साथ भाई अपनी बैटिंग का आगाज किया। ये ओ भाई अच्छी शॉट मारने की कोशिश, लेकिन बॉल बिल्कुल जज नहीं हुई और मिस कर दी। और ये अच्छी शॉट खेली है बाबर आजम ने, लेकिन यहाँ पर कैच पकड़ा गया और मोहम्मद सिराज को विकेट मिल चुकी है। भाई इंडिया की बॉलिंग अच्छी फॉर्म में लग रही है। दूसरा मैच है हमारा टी20 वर्सेस टेस्ट, तो इसको बचाना तो होगा भाई। फखर जमान आ चुके हैं, ये बंदा अगर खेल गया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हम मुझे इसी पर होता है कि ये बंदा खेल जाए आते ही 4 रन दिए। ये बंदा खेल जाए बाकी कोई भी ना चले तो मसला नहीं है। देखो मोहम्मद सिराज को आते ही क्या खूबसूरत बाउंड्रीज लगाई हार्दिक पांड्या, और दूसरी तरफ है उस्मान खान। दूसरी तरफ से हम ज्यादा शॉट खेलने की कोशिश नहीं करेंगे, डिफेंड करेंगे, ताकि इस तरफ से जो है ओ भाई आउट हो गया यार, सीधा बोल्ड मारा हार्दिक पांड्या ने। मैं उस्मान खान को साथ लेकर चलना चाह रहा था, लेकिन जल्दी की तो गलत खेल दिया। मोहम्मद रिजवान चले, देखते हैं कि ये उतना अच्छा कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या अभी तक अच्छी बॉलिंग डाली है यार, कमाल का ये ओवर। और ये एक और अच्छी शॉट, लेकिन फिर से हार्दिक पांड्या को भाई एक और विकेट मिल चुकी है। पांड्या भाई सही फॉर्म में चल रहा है, एक ओवर में 2 विकेट उड़ा दिया। हमारी बैटिंग लाइन अप जैसे भाई बिखर चुकी है ना, मुझे नहीं लगता कि हम बड़ा टारगेट सेट कर पाएंगे। 19 रन पे 4 ओवर करवा दिए हमने, लेकिन भाई फौजी है, फौजी बुरा है, जडेजा को अच्छा चौका दिया है। और ये एक और अच्छी शॉट फौजी की, आई थिंक इस पे 6 रन है भाई, 6 रन। अक्षर पटेल दूसरे स्पिनर को लाए हैं सामने, अगेन वही फौजी, और ये भाई फौजी का छक्का। ये बंदा खेल गया तो बड़ा टारगेट सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये बंदा आउट हो गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये शॉट अब दूसरी तरफ से बिल्कुल शॉट नहीं खेलेंगे और सिर्फ फौजी खेलेगा और यही मारेगा। अक्षर पटेल का अच्छा खासा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, जितने रन पिछले ओवरों में बचाए थे ना, ये उतनी बंदा ज्यादा रन खा गया। और ये चौका, अभी तक ऐसी कोई बॉल नहीं थी अक्षर पटेल की जिसपे इसको बाउंड्री ना लगी हो, और मुझे लगता भी नहीं जिस तरीके से फौजी खेल रहा है कि कोई बॉल इसकी खाली जाने देगा। हर बॉल पे चौका, हर बॉल पे छक्का। और रोहित शर्मा बताने के लिए आ चुके हैं कि अपनी लाइन लेंथ चेंज करो और फौजी को आउट करने की कोशिश करो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल ब्रो। ये है कि आज छक्का, और यहाँ पर फौजी के हो चुके हैं 55 रन। जबरदस्त बैटिंग की है यार ये 50, कमाल की 16 बॉल पर डिजर्व करते थे ये भाई। यहाँ पर पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइनअप जो थी वो बिखर गई, तो फौजी ने वहां पर आकर आसरा दिया। साहबजादा फरहान ये बिल्कुल भाई स्टॉप करेंगे, यहाँ पर हम शॉट खेलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि फौजी चल रहा है तो फौजी को ही चलने देंगे। साहबजादा फरहान डबल के लिए जा चुके हैं, ये इनकी रही 50 रन की पार्टनरशिप, जिसमें 48 रन तो खाली फखर जमान के हैं। तो हम दूसरी तरफ से भाई रिस्क लेना भी तो नहीं यार, ये कह रहा था रिस्क नहीं लेना, आउट हो गया भाई। गंदा शॉट, गंदी शॉट सिलेक्शन है भाई हमारी, ये शॉट यहाँ पर केवल खेल दिया, बोर्ड मार दिया उसने आमिर जमाल। यार विकेटें हमारी बिखर चुकी हैं सारी के सारी, सिर्फ फौजी अकेला क्या भी करेगा। अभी 50 रन पे वो खड़ा है और 50 रन पे वो अच्छी बैटिंग करने की कोशिश कर रहा है।
और ये भाई चार रन जो रोशनी काट ये क्या भाई एक और अच्छा शॉट हार्दिक पांड्या का इस ओवर में अच्छा खासा सा मेरा अपडेट कर दिया पिछले ओवर में जितना इसने भाई कम रन खाया ना उतने ये समय में इसको ज्यादा रन पड़ गया बहुत ज्यादा मार पड़ रही है हार्दिक पांड्या को जबरदस्त खेल रहे हैं फखर जमान ये इनसे भाई उम्मीद भी थी ऐसा ही इनको खेलना चाहिए था अब दूसरी तरफ से सारी टीम आउट हो चुकी है तो एक तरफ से ये बंदा तो खड़ा होगा ना कुछ करेगा जरूर ये शॉट भाई ये शॉट साथ में आमिर जमाल यार साइड पे उसका कोई साथ नहीं दे रहा लेकिन फिर भी वो बंदा पूरी कोशिश कर रहा है कि वो बंदा यहाँ पर पूरा उतर सके अपनी टीम की उम्मीद तौर पर यह छका गया सॉरी चार रन मिले हैं जडेजा को एक अच्छी शॉट खेली है बाहर आकर मानूंगा ये क्या भाई लेकिन एक रन मिला चले कोई बात नहीं अच्छी शॉट की उम्मीद थी जसप्रीत बुमराह सेकंड लास्ट ओवर के लिए अगेन बुमराह को लाया गया वो भाई बॉडी पे मार दिया यार बुमराह ने फौजी को रोकने के लिए बुमराह को लाया गया है और कोशिश अच्छी है बुमराह की अप्रिशिएट तो बनता है इस बंदे का क्योंकि जितना अच्छा उसने यहाँ पर ओहो जबरदस्त शॉट है भाई फिर से फौजी फिर से फॉर्म में आ गया ये शॉट मारी भाई चार रन मिलेंगे इस पे भी भैया मिल गए 98 रन यहाँ पर 100 कंप्लीट करने के लिए ये डाउन द ग्राउंड शॉट खेली थी लेकिन यहाँ पर भी चार रन ये भाई फौजी का 100 रन मुकम्मल हो गया 100 सेंचुरी कंप्लीट है भाई अभी रोकना मुश्किल नहीं 30 बॉलों में 102 रन अभी लास्ट ओवर पड़ा है हम और भी मारेंगे और ये गई शॉट ओ भाई ये कैच निकल गया यार अच्छा फिर भी ये 100 रन पूरा कर गया जो उसकी टीम के लिए कोशिश थी वो पूरी करके चला गया भाई 117 रन जिसमें से 102 जस्ट फौजी के हैं भाई और इस रऊफ आते ही 4 रन यार बॉलर से ये उम्मीद नहीं थी लेकिन अच्छा खेलेगा लास्ट ओवर शिवम दुबे ओ भाई कितना करीब से ये बॉल गई यार और भाई शॉर्ट बॉल डालने की कोशिश कर रहा है तो 9 लोग शॉट ट्राई करेंगे यहाँ पर पीछे फील्डर है एक रन दूसरे के लिए जाएंगे दूसरा मिलेगा और ये आसानी के साथ हो गया शुक्र है कंप्लीट तो हुआ इस ओवर में तुमने रन ही नहीं लिया यार लास्ट ओवर में बिल्कुल लास्ट बॉल और ये चार पाकिस्तान की इनिंग हुई कंप्लीट अब दूसरी तरफ से इंडिया की इनिंग होगी तो देखते हैं कि हम रन को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं होपफुली डिफेंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास बॉलिंग लाइनअप जो है बहुत अच्छी है पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी शाहीन अफरीदी को भाई पहले बॉल पे ही चौका लग चुका है विराट कोहली ने अपना हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया और ये फिर से चौका भाई कमाल की इनिंग खेल रहा है कोहली यार ओ भाई ये फिर से चौका शाहीन अफरीदी को पहले ओवर में यार इतनी कुट पड़ना दिस इज नॉट फेयर ब्रो ओ फिर से चौका भाई छोटे छोटे कट लगा के कोहली ने पहले ओवर में हमसे इतना रन ले लिया कि हम जनाब ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ओ भाई शर्मा ने क्या शॉट लगाया मोहम्मद आमिर को भाई ये बंदा तो शॉट का मास्टर निकला ये भाई जिस तरीके से हमारे रन जा रहे हैं रिक्वायर्ड रन कहते हैं 11 थी और भाई आए कि एक ओवर में 18 रन मारे हैं हारिस रऊफ आए हैं तीसरे ओवर के लिए और ये भाई कैच है पकड़ लेना और ये पकड़ लिया यस पहली विकेट मिली है भाई यहाँ पर हमें और वो भी हारिस रऊफ ने दिलवाई है जिनसे हम ज्यादा उम्मीद कर रहे थे वहां पर हम खराब हो गए ऋषभ पंत वन डाउन ये गए पंत बाबू के भाई पंत बाबू छक्का लगा गया पहली बॉल पे और ये एक और कैच पकड़ ले भाई पकड़ ले भाई यस ये भाई हर इस ओवर को एक और विकेट मिल चुकी है 2 विकेट एक ओवर में और कोहली की विकेट मिली है भाई 18 नंबर जर्सी वाला 18 नंबर पे ही आउट हो गया ओ ये आउट है भाई ये आउट है और नहीं
चले कोई नहीं, चौथे वक्त के लिए नसीम शाह चार पैसा खिलाए हैं तो फायदा तो कुछ होगा ना भाई। चौका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे आदर्स रोफ ने रन के ऊपर स्टॉप लगाया तो था, लेकिन दूसरी तरफ से फिर स्टार्ट हो गई नसीम शाह और शायद मोहम्मद आमिर और शहीन का आज दिन अच्छा नहीं जा रहा। आज का दिन था आदर्स रोफ का जो उसको अच्छा लगा, लेकिन अब जिस तरीके से पंत ने मारना शुरू कर दिया है मैच में वापसी मुश्किल हो रही है। तो अब हम कोशिश करते हैं स्पिन ट्राई करें, शान अयूब बॉलिंग के लिए हम इनको लाने हैं, देखते हैं ये कितना। और ये कैच है भाई, पकड़ ली, ओ भाई बॉर्डर के ऊपर से पकड़ लिया, ये जबरदस्त। स्पिनर लगाने का फायदा तो हुआ भाई, सूर्य कुमार यादव चल दिए हैं पंत और दूसरी तरफ आया संजू सैमसन। ओ भाई पंत ने कितना जबरदस्त छक्का मारा है, वापसी का किंग ओवर के लिए लाए हैं। ओ ये शॉट भाई कितनी बाय बॉल डाली और वहां पर भी उसने शॉट खेल दी संजू सैमसन। और ये कैच है, पकड़ लेंगे यार, पकड़ लेंगे, ये पकड़ लिया, ये बात भाई। यहाँ पर स्पिनर्स ने आके गेम में हमारी थोड़ी सी वापसी करवा दी है, अब हमें विकेट मिले तो हमें लगता है कि हम ये मैच जीत पाएंगे, वरना भाई जितना बुरा हम खेल रहे थे स्टार्ट में मुझे तो नहीं लगा था कि हमारे इस मैच में कोई जगह है। ओ भाई शान मयूर बॉलिंग अच्छी करवाई, लेकिन पंत और पांडे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ओ ये बात भाई वाइड और ऊपर से भाई चला गया रन। ओ यार यहाँ पर बॉल वाइड और ऊपर से चौका वाइड, और ये भाई पांड्या ने एक शॉट लगा छक्का ले लिया। शान अयूब का ये अवर हमारे लिए बहुत महंगा साबित हुआ, एक तो विकेट कोई नहीं मिली ऊपर से भाई ऊपर से वाइड पे भी चार रन दे दिए। ये हारिस रऊफ अगेन को लेकर आए हैं, क्या ये विकेट लेंगे? पहले तो इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन अभी पंत जो है ना भाई वो फुल फॉर्म में लग रहा है और रन हमारे पास बहुत कम है बचाने के लिए। और ये भाई कैच पकड़ ले, ये पकड़ लिया भाई पंत को, चलता किया 42 पे। शुगर है यार, थोड़ी सी मैच में वापसी हुई, वरना इससे पहले वाले ओवर में तो हम डूब चुके थे, डूब आए हैं। और सेकंड लास्ट ओवर है शाहीन अफरीदी का, और रोक ले भाई रोक ले, इस ओवर में हमें बहुत ज्यादा रन बचाने हैं फिर जाके हम मैच बना पाएंगे। ओ भाई पांडू यार किधर से बाल उठा के किधर मार रहा है यार, ये ओवर भी हमारे लिए महंगा चला गया। ये लास्ट वाली दो बॉल पे लगा था, दो बाउंड्री लग गया, मोहम्मद आमिर ने एक ओवर में 5 से 6 रन बचाने हैं तो कोशिश करता है। ये भाई रोक ले, ये रोक लिया पहली बॉल, कोई रन नहीं, रोकना होगा यहाँ पर हमें। और ये चौका चला गया भाई, मैच तो बढ़ गया, ये मैच भी हम 5 विकेट हार चुके हैं इंडिया से, दूसरा मैच लगातार, और ये 5 मैच की सीरीज थी ना, मैंने आपको पहले मैच में बोला था, तो अभी 3 मैच है, अगर हमें ये सीरीज जीतनी है तो 3 मैच लगातार जीतने होंगे। मैन ऑफ द मैच भाई हार्दिक पांड्या, बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, लेकिन हमारे लिए आज का दिन बहुत बुरा रहा, पूरा रहा। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भाई ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।